ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं मटर के छिलके की सब्जी बनाने वाली हूँ। हम मटर के छिलके को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इससे बहुत ही टेस्टी सब्जी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मटर के छिलके, इसके दाने निकाल लिए हैं और इसमें हम मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, छोटे टुकड़ों में कटे हुए। आधा कप इसमें मटर यूज़ किए हैं। 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे टुकड़ों में कटे हुए हैं और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है और आधा छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर है और आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर है। एक हरी मिर्ची छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब 5 पीस इसमें लहसुन है, इसके छिलके निकाल लिए हैं। 1/4 छोटा चम्मच हींग का यूज़ करेंगे। आधा चम्मच इसमें मस्टर्ड सीड है। और आधा छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर है। मिर्च हम स्वाद के अनुसार लेंगे और हरी धनिया की पत्ती यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मटर के छिलके का रेशे निकाल लेंगे। इस तरह से हम छिलके निकाल लेंगे। दोनों साइड इसमें बीच में छिलका एक परत रहता है, उसको इस तरह से निकालना ज़रूरी है। इसके लिए हम मटर बहुत ही नरम लेंगे। मटर के छिलके बहुत सूखी मटर के छिलके हम नहीं लेंगे और ये छिलके की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। हम कोई भी सब्ज़ी के साथ इसको मिलाकर बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसमें मैंने मसाले मटर के छिलके के अनुसार यूज़ किए हैं, बहुत ही कम मसाले हैं। इस तरह से हम सारे रेशे निकाल लेंगे। उसके बाद हम धो लेंगे, इसको काट लेंगे। हम बड़ा या छोटा साइज अपने पसंद के अनुसार इसे काट लेंगे। यकीन मानिए, अगर हम एक बार ये सब्ज़ी बना लेंगे तो कभी भी मटर के छिलके को नहीं फेंकेंगे। इस तरह से देखिए, कट चुके हैं मटर के छिलके। अब हम लहसुन को कूट लेंगे। हम या तो लहसुन को कूट लेंगे या फिर हम इसे पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने लहसुन कूट लिया है। अब गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गरम करेंगे। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो इसमें 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसमें सरसों का दाना डालेंगे और सरसों का दाना जब चटक जाए तब इसमें हम हींग डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे और कूटा हुआ हम लहसुन भी डाल देंगे और इसे भून लेंगे। 30 सेकेंड में इसका कच्चा स्मेल चला जाएगा। बहुत जल्दी भून जाएगा लहसुन, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। उसके बाद हम मटर को डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे हम 1 मिनट के लिए मटर को भून लेंगे। उसके बाद हम मटर के छिलके डाल देंगे, कटे हुए मटर के छिलके को डाल देंगे। उसके बाद 1 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम सारे सूखे मसाले डाल देंगे। तो हल्दी पाउडर, मिर्च और काला मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार मैंने डाल दिया है और टमाटर भी इसको डाल देंगे। एक साथ इसको चला लेंगे, सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और ढक के इसको 3 मिनट की लो फ्लेम पर पकाएंगे। 3 मिनट के बाद ये पक गया है। बहुत जल्दी बन जाता है सब्जी। अब इसमें हम 2 चम्मच सिर्फ पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले से ही सब्जी पक चुका है और इसे 3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर पका लेंगे। ढक देंगे इसको। 3 मिनट के बाद सब्जी अच्छा से बन चुकी है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इसमें अब हम हरे धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है और अच्छी लगती है खाने में। तो मटर के छिलके की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिए और कैसी लगी कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।